हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अस्तर वाले लहंगे की मगजी किस तरीके से बनाई जाती है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लहंगे की मगजी बनाने के लिए ये देखिए, ये हमारा अस्तर का जो कॉटन का अस्तर है, ये मैंने सेकंड चैनल जो सरवण दैया चैनल है उसमें मैं आज ही वीडियो अपलोड किया है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4 मीटर कपड़े में कॉटन का अस्तर लगा के सूट की कटिंग किस तरीके से की थी, वो मैंने वीडियो में बताया था। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सरवण दैया चैनल को। लहंगे की मगजी बनाने के लिए सबसे पहले ये हमारा कपड़ा है, ये 18 इंच कपड़ा है, ये हमें अस्तर ऐड करना है। ये पूरे सूट की मगजी है और ये मैंने ओनली लहंगे के लिए ये कॉटन का अस्तर सेट करना है। तो हमें क्या करना है, आप चाहे तो और भी इसके अंदर अस्तर ऐड कर सकते हैं और आप चाहे तो वैसे ही ऐसे इस तरीके से ऐसे कट करके पटियाँ 4 अलग अलग कट करके आप सेट कर सकते हैं, परंतु और भी करना बहुत ही अच्छा रहता है। उसमें और भी में ये इस तरीके की बेलन नहीं पड़ती है। आप इस तरीके से कट करके 3 इंच की पट्टी करके आप बना सकते हैं मगजी को। इस तरीके से आप 3 या 3.5 इंच की कट करके और बाद में आप मगजी को कटिंग करके उसमें अटैच कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से एक साइड में पहले सिलाई लगा देनी है, इसके बाद में यहाँ पे बीच पे ऐसे निशान लगा देने हैं सही तरीके से, और भी करना है। ये देखिए इस तरीके से हमने और भी कर दिया, इसके बाद हमें ऐसे डबल जमा देना है। इस तरीके से जमा दिया, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ऐसे डबल कर देना है जितनी हमें मगजी लगानी है, जैसे कि 5, 5.5, 6, 6.5 आपके अकॉर्डिंग आपको रख देनी है। तो मैं इसमें मगजी रखूँगा 5.5 इंच की। इस तरीके से 5.5 या 6 इंच आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने रख दिया, इसके बाद हमें यहाँ से ऐसे कट कर देना है और बाकी जो मगजी है वो मैं जब बनाऊँगा उस टाइम ये कटिंग कर दूंगा। इसको हम साइड में रख देते हैं। इस तरीके से हो गया, अब हम इसको बीच से कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से कट हो गया, इसके बाद में इसको भी बीच सेंटर से कट कर देना है। देखिए इस तरीके से कट हो गया, इसके बाद में ये जो हमारा जॉइंट है वो जॉइंट को ऐसे कर देना है, इस तरीके से जॉइंट लगा देना है। इसके बाद ये जो हमारा कपड़ा है वो अस्तर ऐड करना है इसके अंदर, तो उसको भी हमें और भी कर देना है। आप चाहे तो ऐसे ही लगा सकते हैं और भी अच्छा रहता है, और भी में ये बेलन नहीं पड़ती है सही तरीके से, एकदम मगजी बनती है। तो हमें इस तरीके से ऐसे जमा देना है, उसके बाद में ऐसे फोल्ड कर देना है। तो इसको मगजी को इतना हमें चौड़ा नहीं बनाना है, इतना हम चौड़ा नहीं कट करना है। इसको हमें क्या करना है, 3.5 या 3 इंच की आप कट कर सकते हैं। ये देखिए मैं लगभग 3.25 इंच की कट करूँगा। ये देखिए इस तरीके से कट हो गया, इसके बाद में इसको ऐसे ऊपर रख के कट कर देना है। हमें 3 बार ऐसे कट कर देना है। ये देखिए ये कट हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको भी हमें बीच से कट कर देना है। इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे रख के यहाँ पे सिलाई लगा देनी, दोनों साइड में, पहले इस साइड में लगानी है दो, बाद में इस साइड में लगानी है। ये देखिए इस तरीके से आपस में इस तरीके से जॉइंट कर देना है। हमारा जॉइंट हो गया, इसके बाद में जो हमारा जॉइंट है उसके ऊपर नाखून लगा देना है, अच्छे से जमा देना है, इस तरीके से जमा देना है। और साटन कपड़े में आप इस तरीके से बनाते हैं
तो उसमें भी इसी तरीके से बनाते हैं। और आप ये पेपर फिजिंग आता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ये कॉटन कपड़े में जो अस्तर लगाते हैं कॉटन का, ख़ास तौर से गार्डन का अस्तर लगाते हैं, उसमें ये पेपर लगाना होता है। उसका मेरा ये वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी मैं कोशिश करूंगा आई बटन में वीडियो देने की। इस तरीके से हमें इसको, इसका जो जॉइंट है वो ऊपर की तरफ रखना है, और ये मगजी का जो सीधा भाग वो अंदर की साइड में, और इस जॉइंट को इस तरीके से ऐसे जमा के और अच्छे से ऐसे फिट कर देना है, और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये जो भाग रहेगा वो हमारा आगे की तरफ रहेगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये जो हमारा ये जो अंदर का जो अस्तर है इसने हमने जॉइंट नहीं किया है, इसको आप डायरेक्ट इसके अंदर ऐसे डाल सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से इसे ऊपर रख देना है, यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये इस तरीके से हो गया। अब हमें यहाँ पे दूसरी साइड में मशीन को ले जाना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे किनारी से अच्छे से इस तरीके से बराबर रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगा दी है। अच्छे से कपड़े को इस तरीके से बराबर रखते हुए, और ये जॉइंट है उसको इस तरीके से ऐसे ही रखना है। इस तरीके से ये हमने सिलाई लगा दी। अब हमें कहीं कहीं ज़्यादा मार्जिन है, उसको हमें यहाँ से कट कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से कट कर दिया। अब हमें क्या करना है, दूसरी साइड लेनी है। ये देखिए, हमें क्या करना है, ये जो हमने अस्तर ऐड किया है वो आगे की तरफ रखना है इस तरीके से, और पीछे की तरफ ये आसानी से फोल्डिंग हो इसके अकॉर्डिंग हमें इतना मार्जिन को छोड़ देना है। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से ऐसे रख के बाद में आप चाहे तो ऐसे प्रेस पे कर देना है, जैसे साटन के कपड़े होते हैं उसमें ज़रूरत होती है प्रेस की, इसमें ज़रूरत नहीं है। ये कॉटन का सूट है इस कारण से इसमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से ऐसे अच्छे से रख के और बाद में गुणे को ले लेना है। इस तरीके से गुणे को हमें खींच के यहाँ पे लगाना है। देखिए, इस तरीके से अच्छे से ऐसे रख के यहाँ पे सिलाई को लगाना है। आगे से क्या करना है, इस तरीके से अच्छे से इस तरीके से हाथ की मदद से अच्छे से इस तरीके से पकड़ते हुए यहाँ पे हमें सिलाई को लगानी है।
तो इस तरीके से ये हमारी मगजी बन चुकी है। अब हमें यहाँ पे ऐसे नाखून लगा देनी है ताकि ये कोना एकदम बराबर निकले। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारी मगजी बन चुकी है। ये आप देख सकते हैं कहीं पे भी मगजी में बेलन नहीं पड़ी है, और आप पीछे से भी देख सकते हैं इस तरीके से ये हमारी मगजी बनी हुई है। ये देखिए तो इस तरीके से आप आसानी से अस्तर वाली मगजी को बना सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।